हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज शानदार डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग कुछ ज़्यादा इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे इश्यूज मैं आपको लेके आया हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे। मेन फोकस विल बी ऑन दी जेंडर गैप रिपोर्ट जो यहाँ पब्लिश हुई है, या हम बोल सकते हैं जेंडर गैप इंडेक्स एक आया है जिसमें भारत की रैंकिंग गिर गई है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट जो आपके लिए ये है बेटा कि मोहित सर मतलब थोड़ा सा उनकी तबीयत इज नॉट गुड, तो वो शायद आपके लिए एक दो दिन तीन दिन अवेलेबल नहीं रहेंगे, बट मैथ्स का सिलेबस एज वी हैव प्रॉमिस्ड वो डेफिनेटली कवर होगा, ठीक है? तो ही विल बी रिटर्निंग, राइट। दूसरी बात ये है कि आपके करंट अफेयर्स में नेक्स्ट वीक मे बी यू विल गेट अ लॉन्ग लेक्चर रादर देन शॉर्ट वीडियोज के। और अब मैं एक जल्दी आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन प्लान कर रहा हूँ जहां मैं आपके लिए अप्रैल से लेकर मिड अक्टूबर तक के इश्यूज को सारे कवर करूंगा, ठीक है? इन डेप्थ मे बी अ लाइव सेशन होगा, वो ज्वाइन करिएगा। उतना आपने कर लिया, करंट अफेयर्स पूरे पक्के हो जाएंगे, और जैसा मेरी हैबिट है हमेशा साथ में स्टैटिक नॉलेज डिलीवर करते रहने की। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की छपी है, ठीक है? अब इस रिपोर्ट में एक इंडेक्स आता है, इस इंडेक्स के बारे में आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। द हिंदू का ये न्यूज है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को छापता है। तो पहली चीज आपके एग्जाम के लिए पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या फिर ये जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका आंसर हो गया। दूसरी बात पूछ सकता है कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग गिर के 140 हो गई है, ठीक है? ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जो 2020 में था उस वक्त भारत 153 कंट्रीज की रैंकिंग में कहीं 112 नंबर पे था, अब 156 कंट्रीज की रैंकिंग यहां पर निकाली गई है जिसमें भारत की रैंकिंग 140 हो गई है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जेंडर गैप, जेंडर इक्वालिटी के लिए बात करी गई है, चाहे वो प्रीएम्बल हो वहां भी इक्वालिटी की बात करी गई है, संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स में आपकी बात करी गई इक्वालिटी की। बट समवेयर अगर आप इस इंटरनेशनल इस तरह की रिपोर्ट्स की बात देखेंगे तो वहां इंडिया का परफॉर्मेंस कहीं गलत दिख रहा है, मतलब खराब होता दिख रहा है, इस पे काफी चिंता का विषय है, राइट? और आप देखिए यहाँ पर जैसे बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह की स्कीम है ना, उसके अलावा उज्ज्वला योजना शुरू करी गई थी, तो ये सारी स्कीम्स का तो इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हम ये इस तरह की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में काफी नीचे जा रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता होगा ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में आपको मिलेगा, तो WEF के बारे में आपको ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, ठीक है? आपको हेडक्वार्टर मिलेगा स्विट्जरलैंड में, फाउंडर इसके क्लॉस श्वाब थे, राइट? तो इतना इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा, राइट? चलिए फिर यहां पर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज छपी थी, द इंडियन आर्मी एक एक्सरसाइज की बात थी, तो उस एक्सरसाइज का नाम आप देख सकते हैं। फर्स्टली यहां पर आप उस नाम को कोट करिए, देखिए उसको बोल रहे हैं यहां पर शांतिर उग्रोसेना 2021। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, पूछ सकता है कि ये कहां पर होगी, ठीक है? तो इंडियन कहां हुई थी, तो इंडियन आर्मी ने अपना डेलीगेशन भेजा था बांग्लादेश फॉर दी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम आप देख सकते हैं शांतिर उग्रोसेना 2021, क्लियर? तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कहां हुई थी, नाम लिख देगा, पूछेगा देश बताओ, राइट? बांग्लादेश में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फिर देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाट इज मिशन कर्मयोगी। अब देखिए ये मिशन कर्मयोगी जो है ये लॉन्च किया गया था फॉर सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, कि जो सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट होते हैं वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके, उनका अच्छा आउटकम निकल के आए, परफॉर्म अच्छा करें, उसके लिए मिशन कर्मयोगी आया। इट इज बेसिकली टू ट्रेन दी सिविल सर्वेंट। सो एज यू कैन सी हियर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट दिस एक्सरसाइज यानी मिशन कर्मयोगी विल रेडिकली इंप्रूव द गवर्नमेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेसिकली यहां पर काहे के लिए है, कैपेसिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ये जो है सिविल सर्वेंट्स इनकी कैपेसिटी परफॉर्मेंस की उसको इंप्रूव करने के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था, राइट? आपसे पूछ सकता है मिशन कर्मयोगी क्या है। अब देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इसी से रिलेटेड है कि एक मिशन कर्मयोगी के तहत एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया गया था, ठीक है, जो इस मिशन कर्मयोगी को बेसिकली चलाएगा, उसका यहां पर हेड कौन होगा ये पूछा गया था। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अंडर मिशन कर्मयोगी विल बी हेडेड बाय, तो इसका आंसर है यहां पर आदिल जैनुल भाई, ठीक है? आप नाम याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के हेड कौन होंगे, ही इज
आदिल जैनुल भाई, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट ने किताब रिलीज करी थी जिसका नाम है सुपारी पालना, ठीक है, सुपारी पालना। अब ये बुक है बाय अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, उनका नाम आप देख सकते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, इन्होंने इस किताब को लिखा था। और चूंकि वाइस प्रेसिडेंट ने इसको रिलीज किया तो ऑटोमेटिकली ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक्स एंड ऑथर्स में आपको ये किताब पूछ सकता है कि सुपारी पालना बुक जो है किसने लिखी है, तो इट इज डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, इज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, और इसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इसको रिलीज किया था, हेंस इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट, यहां पर हम लोग एक और किताब की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने काफी तारीफ करी थी, एक किताब है उसका नाम है व्हाट्स अप विद मी, ठीक है, ये नाम है व्हाट्स अप विद मी, ये किताब जो है इसको लिखा था टिस्का चोपड़ा ने, ठीक है, इस और ये किताब काफी फेमस हुई है, हेंस इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम ऑल्सो। ये किताब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स अप विद मी, एंड इट इज रिटन बाय टिस्का चोपड़ा, इसलिए ये एग्जाम में भी आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एक अवार्ड है इसको बोलते हैं कलिंग रत्ना अवार्ड, इसको यहाँ प्रेजेंट किया गया है टू द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो पूछ सकता है कलिंग रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, आप देख सकते हैं उनको यहाँ पर ये दिया गया है, सॉरी, ठीक है, उनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। तो आप लोग एक बार सर्च मारिए एंड जस्ट गो थ्रू द लिस्ट ऑफ द गवर्नर्स, ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया कि आपको यहाँ पर सारे गवर्नर्स का नाम, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आंध्र प्रदेश में तो ये अवार्ड ही दिया गया है, hence it is very very important from the exam perspective, right? चलिए आगे रखते हैं। Next, अब देखिए एक और यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ब्रेकिंग द मोल्ड। यहाँ पर आपने सुना होगा देर इज समथिंग कॉल्ड एज PSEB, क्या सुना है आपने, देर इज समथिंग कॉल्ड एज PSEB, ठीक है। अब ये PSEB क्या होता है, देखिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोर्ड होता है, PSEB, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोर्ड। अब ये जो बोर्ड होता है एक तरह से ये वो बोर्ड है जो हम कह सकते हैं जो हमारे सेंट्रल एंटरप्राइजेस होते हैं ना, सरकारी एंटरप्राइजेस जो होते हैं उनमें कौन कौन हेड होगा, अपॉइंटमेंट जो होते हैं हेड्स के, वो ये बॉडी करती है PSEB। तो उसका यहाँ पर चेयरमैन अभी रिसेंटली इनको मल्लिका श्रीनिवासन जी को यहाँ बनाया गया था, शी इज गोइंग टू बी दी फर्स्ट पर्सन जो प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पर हेड करने जा रही है दिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोर्ड को, ठीक है, शी इज गोइंग टू द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू हेड दी ऑल पावरफुल PESB या PSEB लिखा हुआ है, अब इसको PESB कर दीजिए, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। यह है पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड मैंने बताया कि ये अपॉइंटमेंट्स करता है जितने भी सेंट्रल एंटरप्राइजेस हैं हमारे देश के, उनके हेड्स के जो अपॉइंटमेंट्स होंगे वो ये PESB करेगा, पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, राइट। तो उसकी यहाँ पर चेयरमैन कौन अपॉइंट हुई है, मल्लिका श्रीनिवासन जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आप आई होप आप इसको पढ़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस, आगे चलते हैं। अब यहां पर पूछ रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि 2023 में मेन का जो बॉक्सिंग होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप वो कहां पर होगा, तो देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी है जिसका नाम है ताशकंद, है ना, तो आपको पता होगा उज्बेकिस्तान की यहां पर कैपिटल है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है जिसका नाम है ताशकंद, ठीक है ना, ताशकंद में 2023 का मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, ठीक है, तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन कहां पर होनी है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप इसके बारे में जान लीजिए कि जो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉक्सिंग की जो बॉडी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, AIBA करके बोलते हैं, इसका आप हेडक्वार्टर देख लीजिए, प्रेसिडेंट राइट नाउ उमर क्रेमलोव है, हेडक्वार्टर यू विल फाइंड इट इन स्विट्जरलैंड, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी मैं आपको सारे टॉपिक जितने हो सकते हैं जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम आप यहां कवरेज दे सकें। देखिए यहां पर एक पॉलिसी शुरू करी गई है अमरिंदर सिंह द्वारा, पंजाब के ये चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहां पर वुमेन को बस में फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए कि आप फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो पंजाब के अंदर जो अपोजिशन में है वो आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी इस तरह की सर्विसेज शुरू करी थी, है ना, जहां पर वुमेन को फ्री ट्रैवल दिया जाता था, तो आम आदमी पार्टी काफी इसको क्रिटिसाइज कर रही है, कह रही है कि पंजाब सरकार ने सिर्फ कॉपी कर लिया, है ना। तो यहां पर हुआ क्या है, पूछ सकता है कि किसने रिसेंटली यहां पर बस ट्रैवल में वुमेन के लिए फ्री कर दिया है,
तो इट इज पंजाब गवर्नमेंट, देखिए अमरिंदर सिंह लॉन्चेस फ्री ट्रैवल फैसिलिटी फॉर वुमेन इन पंजाब, राइट, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए पंजाब भी कर चुका है, दिल्ली भी कर चुका है इस तरह काम। एक और इंपॉर्टेंट असम स्टेट के बारे में आपको बताऊंगा, असम ने भी यहाँ ये किया था, फ्री बस सर्विस शुरू करी थी फॉर वुमेन एंड एल्डरली इन असम, और इस स्कीम का नाम यहाँ पर भ्रमण सारथी स्कीम रखा गया था, ठीक है ना। भ्रमण सारथी स्कीम असम की स्कीम है जहां पर वो लोग बस सर्विसेज फ्री, बस में ट्रैवल फ्री दे रहे हैं वुमेन एंड एल्डरली पीपल को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर डल लेक अमंग दी सेवरल अदर्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू बी डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स। तो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स की कैटेगरी में छह, मतलब यहां पर वेटलैंड्स को रख दिया गया है प्रोटेक्टेड कैटेगरी लेक्स को, ठीक है। कौन कौन से छह लेक्स हैं आप देख सकते हैं, डल लेक हो गया, वूलर लेक हो गया, राइट, सनासर लेक हो गया, नगीन लेक हो गया, मनसबल हो गया, पुरमंडल लेक हो गया, ठीक है। पुरमंडल लेक को हम लोग छोटा काशी भी कहते हैं। तो ये सारे लेक जो है, दीज आर द सिक्स लेक्स बेसिकली, जिनको अब एक जम्मू कश्मीर की सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, इसको प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स की कैटेगरी में डाल दिया है। आपसे पूछ सकता है कौन कौन से वो लेक्स हैं, आपको नाम देगा या आपको रिकॉग्नाइज, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एक किताब का नाम और है, किताब का नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड्स सिंपल लाइफ। यू नो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी थे और गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, ठीक है ना। इनकी किताब की किसने लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है, इट इज रिटन बाय नितिन गोखले, प्लीज राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नितिन गोखले ने ये ऑटोबायोग्राफी इनके ऊपर लिखी हुई, आपसे पूछ सकता है बुक्स एंड ऑथर्स के अंदर, राइट। अब एक लास्ट चीज और है यहाँ पर, ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ये किन दो देशों में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये 2023 में होना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और ये स्टार्ट होगा 20 जुलाई, ठीक है। तो ये हमारे जितने इश्यूज थे मैंने आज डिस्कस किए, होपफुली आपको सारे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हैव अ गुड डे।